हेलो टीम्स, आप सभी का स्वागत है चेन्नई गेमिंग में। आज टूर्नामेंट नंबर 8 का फाइनल डे है मीरामार मैप में, और अभी तक जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन करने वाले टूर्नामेंट की टॉप लेवल पे जो टीम है वो है टीम एंड्स पहली पोजीशन पे, दूसरी पोजीशन पे है सेवेज लाइट्स, तीसरी पोजीशन पे है होम टीम टीम चेन्नई। अब देखना है आज ये तीनों टीम में से कौन सी टीम कुछ कर दिखाती है, अपने पॉइंट टेबल के हिसाब से अपने आपको कौन सी टीम अपनी पोजीशन बचा पाती है, और या कोई पीछे की टीम इनको ओवरटेक करके इनकी पोजीशन से छीन लेती है। इसी के साथ में जहाज़ ने अपनी उड़ान भर ली है, और टोटल 19 टीम्स आज टीम में पूरी की पूरी। एसपीजी तरुण कैसे बाहर रहेगा? एसपीजी तरुण को मैंने देखा था अपनी जगह पे थे, एक मिनट। ओके, एक्चुअली इनके ना 23 और 22 वाले बंदे खेलते थे, 21 पे कोई बंदा खेलता नहीं था, और एसपीजी तरुण बाद में आए तो उनको हमने ध्यान नहीं दिया। मैच स्टार्ट होने के बाद आया, मतलब जब मैंने स्टार्ट कर दिया था उसी वक्त इन्होंने लॉबी में एंटर किया। चलो कोई बात नहीं, एसपीजी तरुण को वैसे नहीं खेलना चाहिए, जैसा मैं हर मैच में बोलता हूँ, जो बंदा बाद में आए और अपनी पोजीशन पर नहीं पहुँच पाए वो ना बैठे तो अच्छा है। इसी के साथ में टीम एचे ने नहीं कर दिए अभी, एक मिनट। आज मैं थोड़ी सी सेटिंग करता हूँ जिसकी वजह से ना मेरे बोलने में ना कभी कभी आवाज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। मीडिया वॉल्यूम कम, फिर तो मेरी आवाज़। ओके चलो कोई बात नहीं, लगभग सारी टीम्स टूट चुकी हैं, कुछ टीम्स अभी भी प्लेन में बैठी हुई है, नहीं टेन खाली कर दिया सारी टीम से, ओवरऑल 19 टीम, जिसमें से एक टीम नंबर 1 को काउंट नहीं करेंगे हम लोग। और प्लेन मीरामार के बिल्कुल बीचों बीच से होता हुआ गुजरा, और सब लोग अपने अपने पोजिशन के हिसाब से सबके सब कूद चुके हैं, देखेंगे कौन सी टीम कहाँ पर कूदी है। ये है टीम एचएन को जो हम देख रहे हैं, ये कूदी है ले बैंडिटा, ला बैंडिटा ये तो इटली टाइप के नाम है, इनको प्रोनाउंस करने में भी तकलीफ है। अच्छा, सबसे ऊपर से देखते हैं ये टीम नंबर 15 है, ये है किंग कोविड, जिनका कल सैंडविच हुआ था टीम ड्रीम प्लेयर्स और एचएन के बीच में। इनके आसपास में कोई दूसरी टीम नहीं, देखते हैं इन, हाँ इनके आसपास में कोई दूसरी टीम नहीं, दूसरी टीम है यहाँ से देखते हैं, नीचे से आते हैं किंग रॉक क्या जगह का नाम नहीं है, ये टीम उस दिन की उनकी दूसरी टीम प्लेयर खेल रही है। ये देखो ये है वेंडिंग मशीन जो मीरामार में नहीं आई, जो अपनी दोस्त आपने बीच देखा। चलो इसी के साथ में ये लोग के साथ में एक और टीम है, टीम 11 जिनका नाम है टीम M4 लोअर इनका थोड़ा लेवल तकलीफ होती, इन्होंने एक बार दोबारा टीम का नाम बदल के टीम बैड कर दिया था। अच्छा, टीम बैड को एक बार बोला, चलो टीम बैड आप ना टाइम पर नहीं थे, जो भी मैच को मैंने डिले किया ना थोड़ा बहुत वो मैंने सिर्फ आपके लिए किया, बाकी सारी टीम्स मैप में आ चुकी थी, आप थोड़ा आप लोगों को मैंने देखा जब आप लोग आ गए तो मैंने आपके लिए रुक गया। टीम नसीम एचएनए ने जस्ट ऊपर की तरफ से टीम एपेक्स अयान को नॉकआउट किया है, और बच जाएंगे अफजल और एपेक्स हुजू उनके बिल्कुल बगल में, उनको बचाने की कोशिश करेंगे। ये रहे एपेक्स हुजू को भी नॉकआउट कर दिया है VSS के थ्रू नसीम ने, आप अफजल बचे हुए, देखते हैं अफजल। ओहो, इसी के साथ पहला किल, टीम का पहला किल नसीम एच एन एम ने किया, अफजल स्मोक करके जाएंगे, बढ़िया स्ट्रेटजी, खुले में जाएंगे तो तकलीफ। अच्छा, उसी के साथ में दूसरे को भी किल कर दिया है, आप अफजल अकेले बचे हैं, देखते हैं क्या करते हैं। चलो इसके साथ और कौन कौन सी टीम है जिनमें झड़प होने के चांसेस है, लगभग सारी टीम आज नज़दीक ही है, तो किसी भी टीम की झड़प जल्दी हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर टीम 11, 21 और 25 ये बिल्कुल करीब करीब हैं, एक बार सारे लूट लें तो बिल्कुल कभी भी इनकी झड़प हो जाएगी। ओके, बिल्कुल नज़दीक है, वार लोड की लड़ाई किसको मारा, फ्लोरी को एंड्स के, टीम एंड्स उसी के साथ IR क्लिक किया था, टीम एंड्स के फ्यूरी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया टीम 9 के बंदे ने। टीम 9 कौन सी टीम है,
फ्यूरी को ख़त्म कर दिया शुरू में ही और पूरी तरीके से किल कर छोड़ा। ओके, ये है टीम 7 स्टार शमशाद ने, सलमान ने, इनको मारा वॉरलॉर्ड ने, वॉरलॉर्ड हाँ, और पूरी तरीके से किल करके छोड़ा। टीम एंड्स के तीनों बंदे इनसे थोड़ी दूरी पे, अभी इनकी लूट कंप्लीट नहीं हुई है, लड़ाई थोड़ा जल्दी हो गई। और कौन सी टीम है बिल्कुल करीब में? टीम रियो ने, जो कि टीम रियो किस में है भाई? टीम रियो है शायद हाइड्रोजो जो में। ये है जैसे इसने एक बंदे को मार कर पूरी तरीके से, टीम 14 के बंदे को। टीम 14 कौन सी टीम है? टीम 14 है बोर्ड बॉयज़। बोर्ड बॉयज़ हाइड्रोजो की टीम ने एक बंदे को पूरी तरीके से किल करके ख़त्म कर दिया। और टीम 14 कहाँ पर? सामने की तरफ। ओके, आज ना इसी टीम की तरफ से शायद यूज़र रूम आईडी पासवर्ड ग्लिच हुआ था, क्योंकि देखो इनकी टीम में जो बंदा है, टीम मीम का, मीम के ना 4 बंदे और मैप में आके बैठ गए थे। मैंने सबको किकआउट किया है, वो पहले स्लॉट नंबर 4 पर बैठे, फिर बाद में स्लॉट नंबर 2 पर बैठे थे, उनको मैंने किकआउट कर दिया। अगर उनको किकआउट नहीं करता तो पता ही क्या होता भाई, लोग उनके वो ना किसी और का किल खा जाते और फिर बाद में मैच ना ठीक सही नहीं होगा। बैड बॉय ने जेक लाला को ख़त्म किया। बैड बॉय अकेले हैं मैप में। दो आपस में मिलन, ओके, मैंने बैड बॉय को देखा और बिल्कुल उनके पास ही ऊपर की तरफ दूसरी फाइट हो रही थी। बैड इन्होंने फ्लेयर मंगाए यहाँ पर, टीम रॉक, टीम रॉक के टीम के लिए यहाँ पर कन्फर्म होगा। फ्लेयर किसी ने मंगाया और फ्लेयर आ गया गलत जगह पर, शायद कोई लूट ना पाए, कोई लूट नहीं पाएगा इस फ्लेयर को। क्या जगह है यहाँ से? अरे यार ये पबजी की जो कारनामे ना, एक से एक है पब्लिक, कुछ भी करती है। इन टीम को छोड़कर किसी और टीम में अभी तक कोई भिड़ंत नहीं है। और ये रही टीम 20 साथी डिजन, रियो ने जस्ट किसी को किल किया, टीम 14 के किसी बंदे को किल किया शायद, किंग किलर, टीम 14 हाँ, एक्सएक्स किंग किलर। मुस्तफ़ा ने रियो को जस्ट नॉकआउट किया और किल कंफर्म करने की कोशिश, बट वहाँ से कवर फायर हाइड्रा जोजो का और इसी के साथ उसने पूरे बंदों को खाकर ख़त्म कर दिया। टीम 14 के 2 बंदे, टीम एंड्स की लड़ाई हो गई है एब्बो के साथ में। टीम 9, ओके वही टीम ख़त्म कर दिया, सलमान को भी नॉकआउट कर दिया इसी के साथ में। अब देखना है कि इनके 2 बंदे, एक बंदा नॉकआउट है पूरी तरीके से और इब्बो को पूरी तरीके से किल कर दिया ऑलरेडी। देखते हैं सलमान को बचा पाते कि नहीं बचा पाते। शमशाद हुसैन थोड़ा सा दूर हैं, जब इनको पता है कि टीम एंड्स आसपास में है बिल्कुल करीब में। शमशाद ऑफ आए हैं, सॉरी, टूर्नामेंट मैच में ऐसा अगर आप लोग लोकेशन छोड़ छोड़ के भागोगे तो कैसे चलेगा? इनको देखने का कोई मतलब नहीं। वैसे भी अपना एसवीजी तरुण ने साइलेंट हितेश को ख़त्म किया। एसवीजी तरुण को नहीं खेलना था, और अगर तुम इनकी पूरी टीम को भी खत्म कर दो तो, बढ़िया क्या टीम अचानक वैक ने बहुत बढ़िया खेला और फाइनली इनके एक बंदे को उसने फिर से ख़त्म कर दिया था एसवीजी तरुण ने। टीम 24, टीम स्काउट की टीम है ड्रीम प्लेयर्स, आज बिल्कुल सेफ। टीम ड्रीम प्लेयर्स अपना पोजीशन वाइज बहुत नीचे है, अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे हैं, अगर ये
चिकन डिनर भी मारती है तो भी इनका टॉप थ्री में आने का कोई चांस नहीं, बट से अच्छा खेलना ज़रूरी है सबको। टीम 19 एनमिटी, ये भी हमेशा की तरह अपनी स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल सेफ जोन के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। टीम 15 किंग कोविड, ये भी सेफ। टीम 8 के पास टीम 10 है, टीम 10 कौन सी है, टीम 10 है थर्ड पार्टी, अच्छा अफजल, हाँ अफजल जो अकेला बचा। ये लोग जोन की तरफ बढ़ रहे हैं, अफजल पीछे की तरफ, अफजल पीछे से इनको कभी नुकसान पहुंचा सकता है। ओके ये लोग भी बड़ी दूर दूर खेल रहे हैं, बहुत बहुत गलत। ये देखो मेरे को लगा पहले ऑफलाइन है, बड़े कोई हिल रहा है और ये चाहता तो यहाँ पर इशू यहीं से भागते हुए निकले हैं। ये देखो बाकी टीम किधर है, टीममेट स्प्लिट होकर क्यों खेल रही है, टीममेट के दो बंदे और कहाँ हैं, नसीम कहाँ है भाई, ये क्या पाने लोग कहाँ, ये क्या करना क्या चाह रहे हैं। गलत गेम खेल रहे हैं, खेलने दो कोई बात नहीं, अपने को पसंद नहीं है ऐसा गेम। एक टीम हो, एक स्क्वाड हो, एक यूनिट हो, सभी के लिए एक यूनिट हो, आप नहीं तो सोलो खेलो। नीचे की तरफ कोई टीम नहीं है, टीम 72 बैड बॉय ने जस्ट किसी को किल किया यार, किसको किया, टीम 25 के एक बंदे को किल किया और पूरी तरीके से ख़त्म ही कर दिया उसको, बट तो उनके दूसरे बंदे ने उनको ख़त्म करके उनको पवेलियन पहुंचा दिया। बैड बॉय गए क्या, हाँ ये देखा 21 लास्ट में, इसके साथ एक परतमा मैप पर नजर, टीम 21 ख़त्म, टीम 11 ख़त्म, टीम 1 ख़त्म, टीम 12 ख़त्म, टीम का एक बंदा बचा है, सारी दूसरी बड़ी टीमें सेफ के लिए। ये इनको नहीं देखा अभी तक, टीम 23 कहाँ पर है, टीम 23 टूर्नामेंट की सेकंड टीम पॉइंट वाइज, देखना है आज ही अपना पॉइंट बरकरार रख पाती कि नहीं रखा है, या अपने पॉइंट्स ये जोन में हैं, जोन का डैमेज ले रहे हैं, ईजी खेल रहे हैं। ओके उसके बाद टीम मेट्स को देख लेते, टीम मेट्स क्या कर रही है अभी तक, टीम मेट्स के 3 किल ऑलरेडी हो चुके हैं, वंडी जोन के बाहर एज पे, आजू बाजू में कोई दूसरी टीम नहीं। टीम 19 ये रोक पांडे क्या कर रहा है, ये देखो देख लिया, चलो बाय बाय। ये दूसरा बंदा को छोड़ कर निकल गए, लोग उनको पता है कि ये नहीं खेल रहे लगता। और फिर टीम 13 अचानक भयानक, एक बंदे को और एक किल के साथ में जोन में ये भी पहुंच चुके हैं। टीम मेरा बार बहुत बड़ा मैप है, जोन में बहुत ही कम टीम, सब जोन के बाहर ही सारे, सब जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। दो बंदों के साथ में रॉक तरन और रॉक पिक्सिस, टीममेट अभी भी अलग खेल रही, इनको पता नहीं लूट की क्या चाह है कि अलग अलग खेल रही, और टीम रॉक है वहाँ पर। लेजेंड से रॉक पांडे मारेगा, नॉकआउट हुआ, थोड़ी देर में किल का भी मैसेज आएगा।
ये ऑफलाइन, चलो ऑफलाइन जोन में जाके ऑफलाइन हो गया। सारे टीम जोन में, इन्फोस डैडी ने जस्ट किसी का क्लिक किया, इन्फोस डैडी है 22 नंबर पे, ये रहे रॉक पांडे जोन से मारेगा इन्फोस डैडी को ही क्लिक कर। जैक स्पैरो ने निंजा भी नॉकआउट है जैक स्पैरो टीम के, और ये देखना है क्या अभी ये लोग किसको बचा पाते हैं। इनके तो लगभग ज़्यादा बंदे नॉकआउट हैं। इन्फोस रेडी को आनंद ओपी रिवाइव दे रहे हैं और जिस जबरदस्त देखते हैं बचा पाएंगे नहीं बचा। फाइनली इसी के साथ में टीम रश को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया टीम 17 ने, और टीम 17 ने अपनी टीम किल करवा ली होंगी शायद चार। ओके चार इस टीम का नाम है टीम गॉड, और इनके ही बिल्कुल बाजू में एक दूसरी टीम एस वी जी रंजीत पहुँच गई। टीम सेवेज एलाइट्स इनको अभी लाइन, इनको फिलहाल सेफ खेलना पड़ेगा, नहीं तो इनके जो प्लेसमेंट पॉइंट अगर चली जाती है ना तो फिर ये पीछे की तरफ जा सकते हैं। क्वेश्चन के पॉइंट ज़्यादा हैं, ये ज़्यादा पीछे नहीं जाएंगे अभी तक जीरो के लिए, बट इनको प्लेसमेंट पॉइंट की बहुत ज़रूरत है अभी 14। ओके ईगल सामने आगे की तरफ जा रहे हैं, लोग इनके पीछे कुछ दो गाड़ियाँ लेके निकले हैं लोग मीरामार में। मीरामार में अब सब लोग यही चीज़ यूज़ करते हैं, दो दो गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं तीन किल के साथ में। टीम ट्रिपल एक्स किंग किलर यहाँ पर हो गया थोड़ा सा रश मतलब भीड़, टीम रश नहीं। अब देखते हैं कि कौन सी टीम किससे भिड़ती है, टीम 8 भी है, टीम 24 भी है, टीम 16 भी है। टीम 24 बगल में से जा रही है, टीम 16 भी फैली हुई है यहाँ पर, और टीम 8 भी। ड्रीम प्लेयर्स ने अपनी जगह बना ली एक जगह पर बिल्डिंग में, और टीममेट भी एक बिल्डिंग में आ गई है अविनाश को छोड़कर। अविनाश शायद ऑफलाइन जा चुका वहाँ पर, वो अविनाश से बिल्डिंग में आकर ऑफलाइन हो गया, और अविनाश के बिल्कुल सामने अफजल भी शायद ऑफलाइन हो गए, नहीं ये अभी भी ऑफलाइन नहीं है, कितने यहीं बैठा है। एच टू एच पूरा खेल रहा है अफजल, अनजाने जी ने टीम टीसीएस को ख़त्म किया, ख़त्म नहीं किया नॉकआउट किया टीम टीसीएस के एक बंदे को, और उनके ऊपर पुश भी करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इनके पीछे एक और टीम है, इनको थोड़ा सा समझ के चलने की ज़रूरत है। इसी ने इनके दो बंदे को नॉकआउट कर दिया टीम एच एन ए, और इसी के साथ में टीम एच एन ए के कितने बंदे बचे अभी, टीम एच एन ए के तीनों बंदे नॉकआउट। और अविनाश उनके साथ में है नहीं, तो मतलब टीम एच एन ए का गेम यहाँ पे ख़त्म। टी सी एस अच्छा खेली, बहुत बढ़िया खेली, मैंने आपको बोला था इसको कभी साबित करने का इनको मौका नहीं मिला, बट आज टीम टी सी एस खेल कर अपने आप की पोजीशन साबित करेगी।
रॉक तरुण को एसवीजी नाविद ने जस्ट नॉकआउट किया। नहीं, एसवीजी नाविद को इन्होंने जस्ट नॉकआउट किया। अविनाश जिंदा है अभी भी, अविनाश ने जस्ट अफजल का किल किया। टीम एंड से किसी बंदे को जस्ट अभी किसी ने नॉकआउट किया। यार इतनी लड़ाई चल रही है इतनी जगह पे ना, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। टीम एंड से किसी बंदे को अभी किसी ने कार एंट्री से, टीम एंड्स हेल्प को किसी ने कार एंट्री से छोड़ दिया। और यहाँ पर कोई दूसरी कौन सी टीम है, टीम पीछे की तरफ एक टीम है, ये है नसीम को कोजूटर ने ख़त्म कर दिया। ओके, ये है टीम भिवंडी, बट वो बचा लेंगे बहुत ईजीली। एस वी जी करण टीमेंट्स के नॉकआउट हुए, हल्क को बचा लिया उन्होंने और उन्होंने फुल बूस्ट मार लिया। जोन टू जोन सब लोग चल रहे हैं। इस वजह रंजीत ने टीम 23 ने जस्ट दो किल किए, अभी दो लोगों को नॉकआउट किया है एक अलसामी ने, ये रहे यहाँ पर जोहन को और एक और नाम था उनको नॉकआउट किया है। इनके एसयूजी नावेद पूरी तरह से ख़त्म हो गए, अब ये तीन लोग हैं सेवेज लाइट्स के, तीन लोग बचे हुए और जोन इनको क्रॉस करके आगे की तरफ जा चुका, अब जोन की तरफ इनको जाना है। और इनके बगल में और कौन कौन सी टीम है, स्काउट की लड़ाई चल रही है। टीम स्काउट क्या कर रही है, टीम स्काउट जस्ट किसी को किल किया अभी, टीम टीसीएस के साथ इनकी खत्म कर दिया। टीम टीसीएस खत्म, यहाँ पे टीम रॉक टीम स्काउट के बंदे को यहीं से नॉकआउट किया, या नहीं नहीं वो उनकी लड़ाई से नॉकआउट हो गए थे। टीम सेवेज भी बाजू में से आ रही है जोन की तरफ और शायद वहीं नहीं, वहाँ से लेफ्ट मार के निकल जाएंगे शायद। स्काउट का बंदा बच गया, आप देखना कितने टोटल 11 टीम्स होती है। टोटल 11 टीम्स में कौन कौन सी टीम्स, एचने का एक बंदा बचा है और सेफ खेलने का कोशिश करेगा, अभी ये सेफ ही खेलना पड़ेगा। ओके, जोन में पहुंच गया। और दूसरी कौन सी टीम है यहाँ पर, टीम 18 पीछे की तरफ से टीम एंड्स आ रही है। टीम एंड्स के तीन बंदे बचे हैं अभी तक, फिर टीम 20 टीम 20 के बाजू में से टीम एंड चली गई। इनका एक बंदा कहीं और, ओहो फाइनली एंड्स लाला को उन्होंने गिरा दिया। यहाँ पे अविनाश है, अविनाश के पास दूसरे वाला बंदा पहुँच रहे हैं। एंड्स हल्क शायद अविनाश के पास है, अपने बंदे को बचाने के लिए पूरी कोशिश, पूरी पुरजोर कोशिश करेंगे और रिच का फ़ायदा मिलता होगा और रिच की वजह से अपने बंदे को इजीली बचा लेंगे। डैमेज देने की पूरी कोशिश, और इसी तरह से रॉक तरुण को ग्रोस गेमिंग के किसी बंदे ने ख़त्म कर दिया। और रॉक की टीम ख़त्म, अब ये देखना है कि टोटल 10 टीमों में से कौन कौन सी टीम बचती है। टोटल 29 बंदे अभी बचे हुए, अभी ना सेफ खेल रहे।
टीमेटीएफ ने जस्ट किसी को गाड़ी से उड़ा के निकल गए। टीमेटीएफ ने जस्ट किसी से गाड़ी को भेज दिया। अच्छा ग्रोस गेमिंग ने ये बंदा जो ग्रोस गेमिंग है इसने ही जस्ट टीम रॉक के दोनों बंदों को ग्रेनेड सिखा गया और टीमेटीएफ को भी शायद यहीं खत्म कर देंगे। बढ़िया खेल रहे हैं। एक और बंदा नॉकआउट, उसको भी बचा लेंगे। पर जो टीम स्काउट का जो बंदा है वो भी इजीली बच जाएगा। जोन में फंसे हुए हैं, जोन से बच के निकल जाएंगे इजीली। बट उनका बंदा उनको बचाने आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा? टीम स्काउट का बंदा कहाँ पर? ये रहा जेटीएफ, इसकी खुद की हेल्थ बहुत डाउन है, ये नहीं बचा पाएंगे, अकेला बचेगा टीम एटीएफ, सॉरी टीम ड्रीम प्लेस का बंदा अकेला बचेगा। ईगल सामी को जस्ट किसी ने नॉकआउट किया और ईगल सामी कन्फर्म हुआ खतरे में। टीम सेवेज बहुत ज़्यादा खतरे में अभी। टीम 15 के सामने मार क्यों नहीं? को इसी की तरह टीम सेवेज को ख़त्म कर दिया। इनके पर गोली कौन चला रहा है यहाँ से? टीम 20 अविनाश गोली चला रहे हैं और इनको फील हो गया कि यहाँ पे बंदा है। टीम एंड्स, टीम 20, टोटल 7 टीम अभी मैच में। और इसी के साथ जोन में 18 बंदों के साथ में किसी ने फ्लेयर चलाया यहाँ पर। टीमेंट्स बढ़िया पोजीशन पे, टीमेंट्स एटीएफ ने फिर से जस्ट किसी को एक बंदे को, ये नहीं बच पाएंगे शायद, बच गए फाइनली, अपने आप को बचा लिया और ये वन मैन शो। टीम स्काउट की बात ही अलग है, बट फाइनली खुद भी नहीं बच पाए, ख़त्म कर दिया इन्होंने टोटल पर। ग्रोस गेमिंग का बचाना भी मुश्किल लग रहा है मेरे को, हो सकता है गाड़ी लेके निकल जाएं। इसी के साथ फाइनली टीम 17 भी ख़त्म। अब देखते हैं टीम एंड्स को, पहले टीम किंग को देख लेते हैं, जोन की तरफ जा रही है। ओके टीम 19 भी अभी तक जिंदा है, इनको तो हमने देखा ही नहीं। टीम 19 बिल्कुल सेफ खेल रही है, इनका एक बंदा जोन से उस टाइम मरा था, इनको वहीं से निकलते हुए हमने देखा था, बाइक पे निकल रहे थे। और अविनाश से वन वर्सेस टू है, अविनाश और यार इधर इधर की टीम लड़ाई टीम एंड्स की हो गई यहाँ पर। टीम एंड्स ने एक बंदे को, टीम एंड्स का एक बंदा नॉकआउट हो गया। फाइनली टीम एंड्स ने टीम किंग को भी ख़त्म करके अपने बंदे को बचाने के लिए उसको घर में ले लिया है। और इसमें क्या ऑलरेडी पहले से अभी देख रहे हैं, टीम अविनाश ने जस्ट अभी किसी को यहाँ पर नॉकआउट किया है। उनकी लड़ाई देखनी है, छोड़ उनकी देख लेंगे, कुछ मतलब का नहीं लग रहा है यहाँ पे। टोटल 3 टीम बची है, टीम एंड्स, अविनाश ने जस्ट टीम निको को ख़त्म किया और इसी तरह 2 टीम बची है और अविनाश ऐसे लग रहा जोन से ही मर जाएंगे। इसी साथ गेम ख़त्म और पहली टीम बनी शायद टीम भिवंडी, शायद यस। दूसरे पे हैं टीम अविनाश, टीम एच एन